लंबा ब्रेक हो गया, लंबा ब्रेक हो गया। ओपन माइंड अगर अभी भी तेरा है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? माय माइंड इज ओपन। तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि हम लिमिट्स में एक नई चीज़ पढ़ चुके थे, एक आइडेंटिटी पढ़ चुके थे जिससे हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जेड की पावर 1/3, जेड की पावर 1/6, जेड की पावर 1/3-1, जेड की पावर 1/6-1, सो ऑन। फिर एक क्वेश्चन आया था प्यारा सा जिसको हमने आइडेंटिटी से सॉल्व किया था, लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। वो बहुत इजी था और हम स्टूपिड। हां, 1/x + 1/2 वाला अपॉन x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड करो x + 2/2x मल्टीप्लाइड बाय x + 2 कट गया, आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंशन 2 था, आंसर आ गया 1/2। चीख के बोल रहा था वो, चीख तो हमने पढ़ के बोल रहा था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीस, हम पढ़ेंगे दैट इज हमारी जो थ्योरी में बचा हुआ है, व्हिच इज लिमिट्स। पॉलीनोमियल्स में खेल लिया, जितने पॉलीनोमियल्स से खेला था खेल लिया। अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें एक बहुत प्यारी थ्योरम आती है, इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है? तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है? सैंडविच थ्योरम बोलती है कि एक फंक्शन जा रहा है ऐसे, ग्रीन वाला सांप जा रहा है ग्रीन वाला, एक फंक्शन जा रहा है, एक फंक्शन जा रहा है ये वाला, ठीक है? अब ग्रीन वाला फंक्शन है और येलो वाला फंक्शन है, ये हम पढ़ रहे हैं अब सैंडविच थ्योरम। सैंडविच की स्पेलिंग क्या होती है? SWICH होता है सैंडविच थ्योरम। हाँ यही होता है, ये होता है। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ। ओह, नाइस पेरेंट्स। इट्स ओके। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है कि भाई देखो, तुम्हारा एक फंक्शन है ग्रीन और एक फंक्शन है येलो। अगर कोई एक फंक्शन के बारे में तुम्हें यह पता है कि वो फंक्शन ग्रीन और येलो के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है? तो वो सैंडविच थ्योरम बोलती है दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड ट्रिकी लिमिट्स। ओके, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन? अभी रुक जाना, अभी लिमिट्स पे तो आए नहीं ना, ना ट्रिग्नोमेट्री पे आए ना लिमिट्स पे आए। तो ये कह रहा है कि देखो, एक फंक्शन ग्रीन वाला, एक फंक्शन येलो वाला, ब्लू वाला हमेशा ग्रीन और येलो के बीच में रहता है, ठीक है? तो तुम लिमिट निकाल सकते हो। अब कैसे लिमिट निकाल सकते हो? मान लो तुम्हें पता है कि भाई, ये तुम्हें पता है कंडीशन कि ब्लू हमेशा ग्रीन और येलो के बीच में रहेगा, तो व्हाट कैन यू से? मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मान लेते हैं 5, ठीक है? तो येलो ऑफ 5 इज इक्वल टू, मान लेते हैं, मैं बताता हूँ, येलो ऑफ 5 इज इक्वल टू लेट्स से 17। 5 पे येलो की वैल्यू आ रही है 17, ठीक है? और ग्रीन ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जी, 23 मान लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 23, ठीक है? ये तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ब्लू या बी ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है क्योंकि ऐसे भी जा सकता है कहीं से भी जा सकता है, लेकिन ये ग्रीन को क्रॉस नहीं करेगा और येलो को क्रॉस नहीं करेगा। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। सो ब्लू ऑफ 5 कैन बी एनीवन, एनीथिंग, बट इट विल बी बिटवीन 17 and 23। मैं ये बोल सकता हूँ विद गारंटी, 100% गारंटी, कि 17 बराबर भी हो सकता है। 17 क्या पता टच करता हुआ निकल जाए, हमने बोला बाहर नहीं जाएगा, टच करता हुआ भी निकल सकता है, इसको टच करता हुआ भी निकल सकता है। 17 ब्लू ऑफ 5 इज 23, ये चीज, इसे बोलते हैं हम सैंडविच थ्योरम। ये जो ब्लू वाला फंक्शन है, ये बाकी दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच हो गया, पिच गया, ये बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसका नाम रखा है सैंडविच थ्योरम, ठीक है? बट इसमें लिमिट कहाँ है? आप तो लिमिट पढ़ा रहे थे। That's what I was thinking. पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लिमिट निकालते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट ऑफ, विद एवरीथिंग दैट यू जस्ट लर्न्ड, फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। आगे ट्रिग्नोमेट्री, आगे लिमिट्स। क्या बोला? ठीक है,
लेट मी थिंक. चीप क्यों ना. आपने क्या बोल? मैंने बोला देखो लिमिट्स आ गई और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई. कुछ और पढ़ा रहे हो? अच्छा. कुछ और दे रहे हो. बीच का काफी चीजें गायब हो गई हैं. आपको लग रहा है कि आपके बीच में कुछ गायब कर दिया है? आप कुछ और पढ़ाना चाह रहे थे लेकिन आप एकदम से जंप कर गए. एक मिनट मुझे फिर से सोचना था. अभी तो हम पॉलीनोमियल सॉल्व कर रहे थे, फिर बीच में आपने बोला सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे हैं, फिर आप अभी ऐसे में साइनस लग गया. लग क्या है ये? इसमें कैसे काटूं मैं? जीरो x की वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो होता है. अनडिफाइंड है, ताला लगा हुआ है. ताला लगा हुआ है तो मैं जीरो तो डाल नहीं सकता. जीरो के आसपास भी कैसे डालेंगे क्वेश्चन करूं? हाउ डू आई नो कि साइन 0.001 कितना होता है, मुझे कैसे पता? और जितना भी होता है उसको मैं 0.001 से कैसे डिवाइड करूंगा? क्या हो रहा है ये? मुझे भी एक्चुअली समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो. मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालो. आप क्या बोल रहे हो? लिमिट निकालो x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x. sin x को x से डिवाइड कर दिया. क्या? ठीक है ठीक है. तो मैं एक चीज कर सकती हूँ. साइन एक्स है. मैं श्योर नहीं उस चीज पे. मुझे लगा है मैं बहुत गंदे वाली गलत हूँ. बट बहुत गंदे वाला गलत होना बहुत जरूरी है. यू मैं बहुत गंदे वाली गलत हूँ. बता. मैंने साइन एक्स का मतलब साइन एक्स को अगर मुझे नेबर के रूप में लाना है तो मैंने साइन 90 कर दिया. खुश हो जाओ, मैं गलत हूँ. नहीं नहीं अप्रोच सही है. साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊ ये होता है 90 को हम पाई बाय 2 लिख लेते हैं क्योंकि हम रेडियन से बात कर रहे हैं. और ये माइनस पाई बाय 2 है. तुमने बोला जीरो तो मुझे पता नहीं. ठीक है जीरो पे तुम पूछ रहे हो ये मुझे पता नहीं. बट I know the values at pi by 2 and minus pi by 2 and these values are 1 and minus 1. Good. बहुत गलत है. And this is a good, very good start. Very good in fact. Wow. मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा सही होगा. नहीं ये actually मैं भी solution में यही बोलता. मेरा भी पहला solution का पहला part यही था. मजाक नहीं कर रहा. This is a very good start. अरे देखो मजाक लग रहा है. What does this mean? This means जो हमारे जीरो पे वैल्यू आएगी साइन जीरो that is between minus one and one. इसमें गलत क्या है? इक्वल टू भी लगा लो. हाँ सही इसमें. अरे देखो मजाक लग रहा है. बहुत गंदे वाला मजाक. अरे मैं तुझे ग्राफ बना के देखते हैं. अभी ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ से चीटिंग हो जाएगी. बट हाँ ग्राफ हम लास्ट में बनाएंगे. ग्राफ से तो आंसर आ ही जाएगा. ओके अच्छा मैं और पास लेते चली जाऊं. पाई बाय 2 मैं पाई बाय 6 पे कर दूं. पाई बाय 6 पे कर ले और पास चलता है. ठीक है सो इट विल बी साइन. नोट दैट ये जो ग्राफ है हमारा ये सिर्फ साइन एक्स का है. साइन एक्स अपॉन एक्स का नहीं है. इसका ध्यान रखना. तुम जो पास जा रहे हो वो न्यूमरेटर के पास जा रहे हो. ठीक है ये पाई बाय 6 है.
पाई बाय सिक्स पे मेरा आउटपुट हो जाएगा साइन पाई बाय सिक्स अपॉन पाई बाय सिक्स, क्योंकि एक्स है ना, और साइन पाई बाय सिक्स कितना होता है, साइन पाई बाय सिक्स होता है हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय पाई बाय सिक्स, तो ये आ गया सिक्स ऊपर थ्री अपॉन पाई. But अभी भी we are not close, we are not that close. और क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? Yeah, this is the first time जब trigo limits मिल रही है, trigo meets limits, trigo meets calculus, हमें infinitely पास जाना है इसके. अब हम साइन के ग्राफ को ढंग से पढ़ रहे हैं, पहले तो सिर्फ देखा देखा सा लग रहा था साइन का ग्राफ कि हाँ भाई वेवी वेवी सा होता है. अब हम इसके नाक पे जाके बैठ गए, हम कह रहे हैं बता भाई हो क्या रहा है यहाँ पे. ये तो क्लियर है कि जैसे नंबर छोटा होता जाता है वैसे साइन की वैल्यू भी कम होती जाती है, तो मुझे इतना पता है कि इसके पास वैल्यू न्यूमिनेटर जीरो का अप्रोच कर रहा होगा, है ना. साइन का ग्राफ तो ये बोल रहा है जीरो का अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि डिनोमिनेटर भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, लेकिन मैं कैंसिल कैसे करूं? पहले x माइनस वन होता था उसको मैं काट देता था, यहाँ पर मैं काट ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी कर लूँ मैं काट नहीं पाऊंगा एक साइन एक्स एक्स, तो मैं हमेशा फंस जाऊंगा. तुम जो भी वैल्यू निकालोगे बता. वही सोचूं क्या हो सकता है. जो लोग अभी लेट आए हैं, दिस इज 9 पीएम शो, 9 बजे का शो है, 9 पीएम शो, ट्रिगो मीट्स लिमिट्स. वाओ व्हाट अ फन नाइट. ठीक है, मंडे नाइट चल रहा है, मंडे नाइट. कैसे काटू मैं इन दोनों को, साइन एक्स और एक्स को कैसे काटू, एक्स एक्स काटू. सिर्फ साइन बचेगा. साइन बचा, आंसर आ गया मैं. ठीक है, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएगा. ठीक है, अच्छा अब मैं बट नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दो अटेम्प्ट और मार ले, लेकिन फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा. इंपॉर्टेंट ये कि सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए. अच्छा थोड़ा सा हिंट दे सकते हो, लिटिल बिट ऑफ क्लू. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मुझे भी वैसे समझते हो. सैंडविच थ्योरी से कुछ हो रहा है. थ्योरी नहीं, थ्योरम. थ्योरम थ्योरी वर्ड थ्योरम वर्ड थ्योरी से ही है. थ्योरी का थ्योरी इज प्लूरल और थ्योरम इज सिंगुलर. हैं मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पता था. ऐसे हवा में फेंक रही है. देखो जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, जैसे थ्योरी मुझे नहीं पता था बैक्टीरियम कुछ होता है, मुझे लगा बैक्टीरिया होता है बस. नहीं बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर होता है. ओवर स्मार्ट बन रही है. आपको कैसे पता चला? जब मैं एक्चुअल ब्लैकबोर्ड मिटाता तो ये ढंग से नहीं मिटता था, हल्के हल्के शेड रह जाते थे. बट दिस डिजिटल व्हाइट बोर्ड इज दिस काइंड, इट्स काइंड ऑफ फन, पूरा ढंग से मिटता है. वाओ छोटी छोटी खुशियां. अब सुनो कहानी सुनो. हाँ बोलो. ठीक है, sin x और x को, sin x अपॉन x को निकालना इज नॉट पॉसिबल. वाओ डायरेक्टली. वाओ डायरेक्टली. वाओ लेकिन इट इज पॉसिबल इनडायरेक्टली. अच्छा अब हम इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे. हम ये फंक्शन हमें परेशान कर रहा है तो अब हम इसे परेशान करेंगे. ठीक है, इसको हटाओ, सब कुछ हटाओ, इसको अलग से पकड़ो. लिमिट्स के बारे में बाद में बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट sin x upon x. व्हाट द हेल डज दिस मीन? sin x upon x मेरा एक फंक्शन है. ठीक है, x की वैल्यू डाल के देखते हैं. x की वैल्यू अगर मैं 100 या 10 रेडियन डालता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा sin ऑफ 10 रेडियन अपॉन 10. ठीक है,
इसके वैल्यू में 1000 डालता हूँ तो हो जाएगा साइन ऑफ 1000 रेडियन अपॉन 1000. इसके वैल्यू में नेगेटिव डालता हूँ साइन ऑफ माइनस 20 रेडियन अपॉन माइनस 20. ठीक है, इसके वैल्यू में माइनस 1 मिलियन डालता हूँ तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 1 मिलियन अपॉन माइनस 1 मिलियन. अब इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, स्टडी करते हैं. दो अलग अलग चीजें हो रही है यहाँ पर. एक है हमारा न्यूमरेटर 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 और एक है हमारा डिनोमिनेटर 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 डिनोमिनेटर. दोनों का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है. कैसे अलग अलग है? एक हमारा सिंपल पॉलिनोमियल बेचारा और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक. तो दोनों का ग्राफ एक बार बना के देखते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं. जो मेरा x वाला फंक्शन है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो तो ऐसे बढ़ता है. ये है मेरा y = x. जितना x बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा. हाउएवर जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जितना जितने से नहीं होगा, कितना ही बढ़ा लो कितना ही कम कर लो ये वेव की तरह घूमेगा. तो समथिंग इज अप, समथिंग इज अप. एक चीज समझ में आ रही है क्या? ये न्यूमरेटर अलग तरह से काम कर रहा है, डिनोमिनेटर अलग तरह से काम कर रहा है. मैंने न्यूमरेटर हिला के देखा, डिनोमिनेटर हिला के देखा. न्यूमरेटर की वैल्यूज मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यूज मुझे पता है कि बढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छे से बढ़ रही है, कम कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से कम कर रही है. वो माइनस 1 मिलियन डाला, माइनस 1 मिलियन आया मुझे, जो डाला उतना मिला. बट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थोड़े ट्रिकी फंक्शन है. इसमें तुम कितनी वैल्यू डाल लो, मेरा 10 कहीं पर होगा, ये मेरा है पाए, ये है मेरा 2 पाए, 2 पाए होता है 6, फिर हो गया 3 पाए, 3 पाए होता है 9 के आसपास या शायद 10 क्रॉस कर जाता है. पॉइंट इज 10 कहीं यहाँ पर होगा. 10 पे मेरा आउटपुट, 10 पे मेरा आउटपुट कितना हो सकता है, कितना ही हो पाएगा? मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम कितना हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स में 1 हो जाएगा और मिनिमम टू मिनिमम में -1 हो जाएगा. तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस, फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज या फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस. इसको हम ऐसे मार्क करते हैं कि साइन 10 की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट दिस वेरीज फ्रॉम -1 to 1. ये फ्लक्चुएटिंग का साइन. ठीक है, सेम चीज -20 रेडियन के साथ है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन -1 to 1 है. चाहे तुम 1 मिलियन ले जाओ, चाहे तुम 1000 ले जाओ, तुम्हारी वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 and 1. अब आप बोलोगे इसमें क्या नया बताया आपने, कोई मुझे पता था साइन की वैल्यू माइनस 1 to 1 क्यों होती है. तो नया ये है, नया है कंपैरिजन. सोचो, अगर ध्यान से सोचे तो डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर तो कम हो रहा है, लेकिन न्यूमिनेटर बेचारा ऐसे फंसा हुआ है. इसके बेचारा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें, वो बेचारा हिल ही नहीं पा रहा है, ऐसे बिल्कुल फंसा हुआ है. एक तुमने बॉक्स में बंद कर दिया न्यूमिनेटर को, दैट बॉक्स इज कॉल्ड साइन. एक्स की वैल्यू बेचारी नीचे तो कितनी फ्री फ्लो कर रही है, नीचे तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जो करना कर रही है, लेकिन ऊपर एक बॉक्स में फंसी हुई है जो कि -1 और 1 के बीच में उसको फंसा रहा है, उसे गला दबा रहा है उसको. ऐसी फीलिंग आ रही है. इट्स ट्रिग्नोमेट्री. ही डिजर्व इट. तो द बिहेवियर इज डिफरेंट, द बिहेवियर ऑफ न्यूमरेटर इज डिफरेंट देन द बिहेवियर ऑफ डिनोमिनेटर. इस चीज का हम क्या करेंगे, इस चीज का हम फायदा उठाएंगे. अच्छा, हम बोलते हैं कि देखो हटाओ, हम बोलते हैं हटाओ सब कुछ, आओ साइन एक्स पे आते हैं. साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है. अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1 upon x. इसका रीजन मैं दे रहा हूँ कि भाई मेरा साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा है. साइन एक्स की वैल्यू जो मेरा न्यूमरेटर है ये 1 से बड़ा होगा ही नहीं कभी. तो अगर ये 1 से बड़ा नहीं होगा तो मेरे जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी, चलो मान लेते हैं साइन, एक बार निकालता हूँ करो, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटर. देखना मेरा डेसिमल्स पे आएंगे, हम डेसिमल्स पे आएंगे. मान लो मुझे निकालना है 5000 का साइन निकालना है, दैट इज -0.64. साइन ऑफ 5000 upon 5000 इक्वल्स टू -0.64 upon 5000. दैट इज डेफिनेटली लेस देन 1 upon 5000. और भी वैल्यू लेते हैं, 5000 की जगह लेता हूं मैं, लेट्स पुट समथिंग एल्स, लेट्स से 920. चल 920 का साइन, बाय द वे सारे रेडियंस हैं, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. 500 काश पॉजिटिव वाला 500 पे आ रहा है 6.64. साइन ऑफ 500 upon 500 इक्वल्स टू 0.64 upon 500 व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1 upon 500.
डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बंदे छोटा है, ये तो दिख रहा है कि न्यूमरेटर मेरा हमेशा बंदे छोटा रहेगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये चीज एस्टेब्लिश कर ली हमने कि भाई जो मेरी वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन अपॉन एक्स। ठीक उसी प्रकार कवि ये कहना चाह रहे हैं कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, ये इससे कम नहीं जाएगा। एंड हेयर वी हैव थ्री फंक्शंस, जिसमें हमारा जो एक फंक्शन है जो हमें चाहिए वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। सैंडविच थ्योरी आ रहे हैं, सैंडविच पे आ रहे हैं। अभी हमने इसको फंसा दिया यूजिंग द साइन एक्स वाला फंसने वाला पार्ट, हमने इसको फंसा दिया। हमने कहा कि अब ऐसे फंक्शंस के बीच में इसको फंसाओ जिनकी लिमिट हम एक्चुअली निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो। अब एक काम करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो पे देखते हैं वन बाय एक्स क्या कर रहा है और माइनस वन बाय एक्स क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकेंड से कर रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन वन बाय एक्स और इज लेस देन माइनस वन बाय एक्स। एक्स अप्रोचिंग जीरो पे क्या हो रहा होगा, लेट मी थिंक क्या करेंगे इसको, अगर हम फंसा दें फंक्शन सही लिए मैंने, हाँ सही लिए होंगे, वन अपॉन एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स के बीच में आएगा। वन बाई एक्स का ग्राफ होता है इससे जा रहा होता है, माइनस वन बाई एक्स का ग्राफ भी इससे जा रहा होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, थिंक थोड़ा डीपली, बहुत दिन हो गए मेरे को इससे बात किए। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या करें हम, वन बाय एक्स और एक है माइनस वन बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग जीरो, एक्स अप्रोचिंग जीरो पे तो कैसे करें इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो वन बाय एक्स का ग्राफ जाएगा, मैं थोड़ा मैं रफ कर लूँ, थोड़ा वन बाय एक्स मेरा ऐसे जाता है बट मुझे चाहिए ये वाला पार्ट और माइनस वन बाय एक्स मेरा जाएगा इसका नेगेटिव, ये इधर आ जाएगा, ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, सो दिस शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं ना, कैसे अप्रोच करें तो इन्फिनिटी को, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी रेफर एनसीईआरटी, रुको होल्ड, एनसीईआरटी क्या कहती है, सैंडविच थ्योरम, ओहो हमने फंक्शन से अलग अलग ले लिए, कैसे ले रहे हैं, क्या किया ये वाला प्रूफ तो मेरे को नहीं आता, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ओ तो पूरा इन्होंने पूरा ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेल गए, सैंडविच्ड बिटवीन द इनइक्वालिटी सेज द फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स इज सैंडविच्ड बिटवीन द फंक्शन कॉस एक्स एंड द कांस्टेंट फंक्शन व्हिच टेक्स द वैल्यू 1। तो मुझे नहीं आ रहा, इसको ढंग से देखना पड़ेगा मुझे, देखो आया कुछ समझ, नहीं समझ आया मुझे, लगा एक मिनट के लिए मुझे समझ पाया बट नहीं आया, मैंने शायद फंक्शन ही गलत ले लिया, अब इसका ग्राफ बन, रुक जा, रेस्पॉन्स पे आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, भूल कैसे गया मैं, भूल इसलिए गया शायद मैं रट लिया था बैठ के एक जमाने में, ये चीज़ अब आइडेंटिफाई हुई कि मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया था। साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का ग्राफ ये रहा,
ये है मेरा साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ। मेरे को पता है साइन एक्स बाय एक्स हमेशा 1/x से छोटा रहेगा और -1/x से बड़ा रहेगा, लेकिन जीरो पे ये मेरे काम नहीं आ रहे ना, जीरो पे दोनों वैल्यू इन्फिनिटी दे रही है। तो ग्रीन ग्राफ देख रहे, ग्रीन ग्राफ और रेड के बीच में जा रहा है मेरा फंक्शन, जो मेरा रेड फंक्शन है वो ग्रीन और इसके बीच में कितने सुंदर तरीके से उसको ऑपरेट कर, क्यूट लग रहा है ना। बट इसको मैं जीरो पे कैसे पकड़ू, एनसीईआरटी में कुछ cos x लिखा हुआ था। हाँ वो वाला मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो या तो पढ़ूंगा उसको बैठ के फिर समझाऊंगा। मेरा सोच रहा हूँ मेरा मेथड क्यों गलत है, मैं इसको फंसाना चाह रहा था 1/x और -1/x के बीच में, जो कि मैंने ढंग से फंसा भी दिया अब, लेकिन फंसाने के बाद मैं जीरो पकड़ नहीं पा रहा। ये दोनों वैल्यू सेम अप्रोच करते तो समझ में आता। आइडिया अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी निकालो, मेरे को लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो क्यों निकालनी, मैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी निकाल लेता हूँ। दिस इज गुड, दिस इज सिंपल, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा ना, इन्फिनिटी पे कितना आएगा जीरो, और उस पर कितना आएगा वो भी जीरो आएगा, तो इन्फिनिटी पे दोनों जीरो आ जाएंगे एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा जीरो। नहीं, दिस इज नॉट, एक मिनट, अगर मुझे साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करना है, दिस इज साइन एक्स साइन एक्स निकालता हूँ मैं, और इसकी लिमिट निकालता हूँ एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे, तो ये मुझे दे देगा, अभी रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, 1/0 साइन जीरो, तो ये 0/0 दे देगा। दिस कैन वर्क, एक्स साइन एक्स को फंसा सकता हूँ मैं, एक्स साइन एक्स को फंसाने का क्या तरीका है, दिस विल बी बिटवीन एक्स एंड माइनस एक्स, और इन्फिनिटी पे मेरे को ये वैल्यू भी जीरो दे देगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी पे क्यों देगा, कुछ तो पंगा हो रहा है। कुछ देख रहे हो क्या रखे, सम अदर फंक्शन इसको कैसे फंसाऊं मैं, मेरे को वो नहीं करना, ज्योमेट्री सर्कल नहीं बनाना मेरे को, मेरे को अच्छी चीज़ है, मेरे को जैसे दो फंक्शन दो जिसके बीच में फंसा सकूं, दो सुंदर फंक्शन होने चाहिए, एक्स साइन एक्स को फंसाऊं क्या ना, जब तक मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हो, मतलब अगर मुझे समझ आ जाए, देख ले देख ले, एक्स साइन एक्स को फंसाऊं अगर मैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इनफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स, काफी पास हूँ मैं आंसर के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आराम से पढ़ते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आए, जीरो के पास साइन एक्स इज लेस देन कॉस एक्स, cos x, बट नीचे बाय x भी है ना, जीरो के पास अगर मैं इसको 1-1 के बीच में नहीं फंसा रहा तो किसके बीच में फंसाऊं, ग्राफ डजंट वर्क, दिस इज नॉट द राइट फंक्शन, फिर इसे हटाते हैं, ढंग से सोचते हैं, एक्स साइन एक्स
साइन एक्स बाय एक्स एनसीआरटी क्या कह रहा है किसमें फंसा है वन और कॉस एक्स के बीच में वाई वन वाई कॉस एक्स given below is a beautiful geometric proof of the following important inequality relation we know that this hence it is sufficient to prove the inequality from 0 to pi by 2 x mera sin x aur tan x ke beech mein hota hai ha ye bhi main prove kar sakta hu but ye radian wali language mein baat karega पढ़ूंगा तो आ जाएगा समझ में बट होल्ड ऑन बिटवीन फंक्शन कॉस एक्स एंड द कॉस एक्स फंक्शन की वैल्यू 1 बट व्हाई
मुझे थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन समझ में आया। 2 मिनट और दे मेरे को, मैं तेरा सॉल्यूशन पहले सुन लूंगा। मैं भी ये सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूँ इंस्पायर्ड बाय व्हाट आई जस्ट रेड एनसीईआरटी में, बट मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाह रहा हूँ। मैं वो देख के अच्छे से समझ के बताना नहीं चाह रहा, फिर वो मैं सोच रहा हूँ मेरा सॉल्यूशन, क्या पता मेरा सॉल्यूशन उनके वाले से सिंपल हो और मैं तेरे को मुश्किल वाला पढ़ा दूँ जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग नहीं चला उससे। तो हो सकता है जो एनसीईआरटी वाला वो मुश्किल हो और मेरे पास एक सिंपल हो, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग मोर इंटुइटिव या मोर कॉमन सेंस। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि यूनिट सर्कल मैंने तेरे को पढ़ाया तो मैं सोच रहा हूँ यूनिट सर्कल ही क्यों ना यूज करें, इन्होंने भी यूनिट सर्कल ही यूज किया है मोर और लेस। आ रहा हूँ मैं तेरे पास थोड़ा सा, एक मेहनत और करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हो रहा है मेरा थोड़ा थोड़ा, एक पीस बचा है मेरा, ये हो जाएगा तो मैं तेको बस एक यूनिट सर्कल से सारा समझा दूंगा। हेलो हेलो हाँ, मैं सुन रही थी, एक सेकंड, वो पासवर्ड डाल रही थी। डेस्मोस करिए क्या? डेस्मोस नहीं, मैं डेस्मोस नहीं कर रही, मैं कुछ सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या क्या tan x हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या tan x हमेशा बड़ा होगा sin x से? हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरे को बस ये प्रूव करना है कि x हमेशा छोटा होगा tan x से, मेरा काम हो जाएगा। मैंने एक तो प्रूव कर लिया x बड़ा है sin x से, मुझे प्रूव करना है x tan x से छोटा है, फिर इसको बीच में सैंडविच करके मैं लिमिट लगा सकता हूँ। बट आई थिंक जो मैंने निकाला है वो मेरे को पसंद आ रहा है, मैं तो चाहूंगा कि मैं इसके बारे में बात कर पाऊँ, बट इतना टाइम लग गया मेरे हिसाब से, मैं को रस्टी हो गया हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। नहीं पहले मेरे दिमाग में रहता था सारा, सब कुछ सब सेट रहता था भाई, इतना सा निकालने में
इतने ढंग से मैंने बड़े दिनों से बात ही नहीं की इससे, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है आउट ऑफ डेट। एक्सटेनेक्स से ये कैसे निकलेगा? आई थिंक साइनेक्स से ही काम चल जाएगा, बस एक छोटी चीज है मुझे पता है, साइनेक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं कोई चीज लेस देन वन इससे डिवाइड करता हूँ तो इससे भी डिवाइड करूंगा, लेस देन कोई गारंटी नहीं है ना। तो अगर मैं कॉस एक्स से डिवाइड करता हूँ वो तो और पॉजिटिव है, कॉस एक्स से डिवाइड करता हूँ ये भी कॉस एक्स से डिवाइड होना चाहिए। दिस मीन्स टेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर कॉस एक्स व्हिच इज ग्रेटर देन एक्स। मैंने ना अभी मतलब
जो तीन एंगल्स वगैरह मुझे पता है, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6 को मतलब डिवाइड करके देखा, और उनकी जो वैल्यूज थी ना वो टैन एक्स से छोटी आ गई है। तो तू कह रही है कि टेन पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 6 इज ग्रेटर देन पाई बाय 6, और टेन पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन पाई बाय 3। तो हम इस लॉजिक से बोल सकते हैं कि टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स जब एक्स 0 के पास होगा। इस लॉजिक से तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब तो है क्या हम ना, बोल सकते हैं क्या? इस लॉजिक से नहीं बोल सकते। हर वैल्यू के लिए चेक करने से नहीं होगा, हमें 0 के पास देखना पड़ेगा, नेबर नेबर में क्या हो रहा है वो देखना है। दीज आर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इंट्यूशन सही है तेरा, आइडिया बहुत सही है, बट मेरे को भी पता है ये वैल्यूज पास हैं, बड़ी हैं, बट दैट्स नॉट अ सॉलिड प्रूफ कि भाई 0 के पास भी यही हो रहा होगा। क्या पता 0 के पास वो ऐसा टच कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो दिस नीड्स समथिंग मोर। जो तूने दिया है वो एविडेंस है कि हाँ देखो कुछ पॉइंट्स के लिए आ रहा है। That does not mean कि जीरो पे भी, जीरो के आसपास भी वही हो रहा होगा। इट नीड्स सम स्ट्रक्चर। दिस इज, आप फंस गए। एक्स और टेन एक्स के बीच में रिलेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। साइन एक्स और एक्स का तो मेरा आ गया, साइन और एक्स का तो मेरा लेट्स आ गया। ओपन डेसिमस। हम डेसिमस खोलेंगे। टैन कैसे बनाऊं मैं? इनका देखो थोड़ा सा, घूम फिर के मैं भी वही कर रहा हूँ जो ये कर रहा हूँ। AP by OA
कुछ मिला? मिल गया ये, बट सैडली शायद मेरे पास इनका सोल्यूशन ही आ गया. मैं इनके सोल्यूशन से दूर भाग रहा था, बीच बीच में इनका सोल्यूशन टेप भी रहा था, बट जो मिला है मुझे वो इनका सोल्यूशन ही है, मोर और लेस ऐसा मुझे लगता है. 90% सेम ही है, बट आई हैव द प्रूफ नाउ. अच्छा हाँ, दिस वाज हार्ड बट फन. मेरे को लगा कि हाँ ये दिस वाज वेरी मच नीडेड. पता होना चाहिए तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है. जब पढ़ाते तभी रियलाइज होता है कि अच्छा तुम्हें तो आता ही नहीं है. तो सैंडविच थ्योरम लग रही है, बट मेरे दिमाग में सैंडविच थ्योरम का एक कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग में आ गया था, दैट वाज नॉट एक्चुअली साइन एक्स बाय एक्स. मैं 10-12 साल पहले किया था, दैट वाज एक्चुअली एक्स साइन एक्स. तो पहले मैं एक्स साइन एक्स प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर हम साइन एक्स बाय एक्स पाएंगे, ताकि वो सैंडविच थ्योरम वाला काम खत्म हो जाए. ठीक है? अच्छा ठीक है, अब देख आराम से मेरे साथ. पहले तेरी भी कहानी सुन लेंगे, पहले एक्स साइन एक्स के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, जो मैं करना चाह रहा था वो प्रिंटेड था मेरे दिमाग में, मुझे लगा था कि वो साइन एक्स बाय एक्स का प्रूफ है, बट वो एक्चुअली किसी और क्वेश्चन का था. ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स इसको हम थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स साइन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो. वैसे इसमें अच्छा, तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है, इसमें सैंडविच थ्योरम क्यों लगा रहे हो, ये तो 0 × 0 है, तो 0 हो गया खत्म. तो इसमें काय के सैंडविच थ्योरम. ओके, इसे हटाते, रुक. हाँ, शायद एक तरीका कर सकते हैं, साइन ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर सकते. ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो. तो प्रूफ पे आते हैं सीधा. ठीक है, ओके. इसी वीडियो में डालेंगे, अगली वीडियो में डालें प्रूफ. 1 घंटे की तो होगी वीडियो, अगली वीडियो में डालते हैं. प्रूफ आ गया मेरे पास. ठीक है, बट अगली वीडियो में डालते हैं. इस वीडियो को पेनफुल परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो को पेनफुल रहने देते हैं. आई थिंक दिस डिजर्व्स थोड़ा सा मोमेंट ऑफ साइलेंस. नहीं हो पाया हमसे प्रूफ. हमने बुक टेपी और फिर हम प्रूफ कर पाए, बट इवेंचुअली वी गॉट देयर. अभी नेक्स्ट चैलेंज ये है कि मैं वो प्रूफ तेरे को समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा. मेरे को तो आ गया है, बट लेट्स सी तेरे को आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, इस वीडियो को ऐसे रहने देते हैं. दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस मेरे लिए, नॉट फॉर एवरीवन. एज अ रिमाइंडर कि भाई तुम्हें सब कुछ नहीं आता. ठीक है, हम मिलते हैं 5 मिनट में, जब तक ये वीडियो रेंडर होती है. 10:19 हो रहे हैं, 10:25 में मिलते हैं. ठीक है. फिर मैं इसको ढंग से प्रूफ करता हूँ, एक गिलास पानी पी के आता हूँ. कैसा लगा भैया से? भैया से मैथ का क्वेश्चन नहीं हुआ देख के कैसा लगा? नहीं एक्चुअली मतलब पहली बार देखा तूने भैया से मैथ का क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं, आपने एक बार गलत किया था और मैंने सही किया था. गलत करना नहीं, बट ये तो हुआ ही नहीं है. तो हां, हाउ डज इट फील? नहीं, मुझे मतलब नॉर्मल ही लगा. इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि भैया से नहीं हुआ. पर भैया तो बहुत ऐसे झाड़ते रहते हैं, अपना रॉब झाड़ते रहते हैं कि मेरे को तो मैथ आती है, मेरे को तो मैथ आती है. हां, तो आपको आती है? तो फिर ये क्या है? सारी मैथ्स तो किसी को भी नहीं आती. चल, किसी को भी नहीं. इस वीडियो को एंटर करते हैं. ठीक है, पीस आउट, वापस आते हैं. पीस आउट. ठीक है, चलो बाय बाय.